कर रहे हो? इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। आप मैंने क्या लाई हो? हमें यही चाहिए, हमें यही पसंद है। खोलो जरा, ऊपर नीचे करो। अरे मारे से एक और बात पूछ रहा था, ये बताओ क्या पूछ रहा होगा? आपने सारी खा ली? और ये ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा। जी गाइस, हमारा ना जो ट्राइपॉड था वो चला गया, हमने दे दिया गिफ्ट और हम लेने आ गए नया। हमें गिफ्ट तो नया ही देना चाहिए था, लेकिन वो पुराना ही ले गए। वो ले गए तो कोई मसला नहीं है, हम नया ले लेते हैं। जी रहमान साहब ठीक है, इसको जोड़ो बल्कि। हाँ तुम जोड़ो, जल्दी जोड़ो। क्या रेट हो गया इसके? 2000 जी? जी जी वही 2000। अरे इसके अच्छा, इससे अच्छा भी कोई ऑप्शन है? इसको आप यूं भी यूज कर सकते हो और इसके अंदर ना वो टिकटॉक लाइव के लिए भी यूज कर सकते हो इसको, यहाँ खड़ा भी कर सकते हो, आगे पीछे मूवी कर जाता है। तो ये बड़ा जबरदस्त है, हम काफी दोस्त भाई को दिलवाया हमने, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे और टनाटन होंगे। जी तो आपने देखा हमारा जो गिम्बल था हमने ले लिया है और अब हमने कराना है स्कैन। भाई बैठा, भाई बैठा है ना, इफ्तिखार, इफ्तिखार फोटो साहब बैठे हैं। हम आए हुए डेरा डच चौक पे, नहीं पहुँचे भाई, नहीं नहीं ये है जगह भाईजाना, नाम सोचने मुझे क्या, अजीत होटल चौक, अजीत होटल चौक पे आए हुए और हमने अपने पासपोर्ट की स्कैन करानी है और आईडी कार्ड का स्कैन कराना है और वो भेजना हमने दुबई, क्योंकि हमारा जो पक्का वीजा है वो दुबई से लगेगा और वो हमने भेजना है। और जो रहमान साहब हैं वो आए कोई नहीं, आज नहीं आए हैं और ऐसे पप्पू बच्चे बन के आए हैं। भाई जान ने कपड़े लिए थे ना आज, फुल टशन टाय बूट शूट नीचे लगा पड़े भाई। चलो जी रहमान साहब जल्दी आ जाओ, मेरा पर्स भी ले लो साथ साथ, ये लो इसमें आईडी कार्ड है, उसमें पासपोर्ट है और हम जाएंगे तो इफ्तिखार शॉप पे। गाइस ये हो रहा है जी पीडीएफ, भाई कर रहा है, ये इसकी मशीन है, इसके अंदर रखेगा भाई। रख दिया जी उन्होंने, हम आ गए सीधा घंटा घर, वहाँ तो उसने किया कोई नहीं। मैंने कब आ गए घंटा घर तो राइस भी खा के जाएंगे, नवीद बिरयानी आपको पता है ज़बरदस्त होती है वो, देखें इधर आ रहा होगा दरबार। चलो आए हुए इधर कबूतरों को दाना भी देखे जाएंगे, नया नया स्टैंड ना मज़ा आ रहा था पकड़ के। रहमान साहब को तो देख लो जरा, ये जी रहमान साहब ने भाई कर खर्चा करके दाढ़ी बड़ी बनवाई है और रहमान साहब की ना हवा ख़राब होती जा रही है डे बाय डे। आज हमारे से एक और बात पूछ रहा था, ये बताओ क्या पूछ रहा होगा? अच्छा भाई तू बोल, आपके साथ रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे ना यार, वो जरा हो जाए, मैं भेजता हूँ जरा गाड़ी में मेरे भाईजान, थोड़ी पाँच सात पाँच मिनट लगेंगे, पाँच मिनट तो नहीं बुला चला सकते, घंटा कर देगा तो इतना खूबसूरत हमारा। ये देखिए टाइम सही बता रहा है, गलत बता रहा है क्या? नहीं टाइम सही बता रहा गाइस, मैंने सोचा घंटा घर खराब हुआ पड़ा है, घंटा घर सही है गाइस, घंटा घर बिल्कुल ज़बरदस्त है हमारा। एक ही चीज़ का जलसा हो रहा रहमान साहब, कौन सी कंपनी है भाई? कंपनी नहीं है, मैंने कहा इसराइल के ऊपर बोल रहे हैं, फलस्तीन पे बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है बोलना चाहिए यार। ये फलस्तीन वाले हमारे भाई जो है ना, अल्लाह इनको बस हिम्मत दे। हाँ आ गई नवीद बिरयानी, सीधा सीधा नवीद बिरयानी नहीं पुलाव है यार, बी पुलाव है यार, ये समझता क्यों नहीं है गाइस? क्या है बता जल्दी। मैं बच्चा हूँ ना भाई। बच्चा किसका? माँ बाप का। किसके? अपने और किसके? अच्छा गाइस, ओए ड्यू भी मंगाइए गाइस, ड्यू भी मंगाइए। हालांकि मैं सोच रहा डाइटिंग कर लें, लेकिन डाइटिंग हो नहीं पा रही यार, क्या करें रहमान साहब, डाइटिंग तो हो नहीं पा रही। डाइटिंग का भाई क्या करा, किसने मारी है गाड़ी हमारे पीछे? भाई गाड़ी तो नहीं मारी है, गाड़ी हिली थी ना सर, दुबई जाके ही डाइटिंग शुरू होगी आपकी। हाँ ये यहाँ पर तो नहीं होती। नहीं यार दुबई में भी डाइटिंग आ गए थे हम कबूतरों के पास और कबूतरों को आपको पता दाना देना होता है, इनकी जो जगह थी ना उन्होंने खराब कर दी है, वहाँ बसें लगा दी हैं, सॉरी बसें आ गई हैं, अब ये बेचारे ना बेघर हो गए हैं। ये देखें, ये रे,
गाइड हमने लगवा लिया था पाउच प्रोटेक्टर थ्रेड, देख रहे हो जीरो मीटर हो गया आगे पीछे थे देख रहे हो। और हमारे पास एक और मोबाइल भी था एक्सेस मैक्स, उसका भी पाउच प्रोटेक्टर ले लिया, दिखाओ कौन सा लिया। और 14 का भी लगवा लिया, पाउच तो इसका अच्छा है लेकिन ग्लास लगवा लिया। और इसका मैं लिया बस गुच्ची रखो भैया। और रहमान साहब का मोबाइल है ना बैटरी ख़राब थी, ये कहते थे 50 पे बंद हो जाता है। और ये हमने कहाँ से ठीक कराया, रहमत सेंटर गैलेक्सी मोबाइल शॉप डॉक्टर उस्मान अहमद साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है आपके? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त। अपनी दुकान का ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, या फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। मेरा नंबर इनसे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मुझसे मोबाइल ही ठीक कराने आया था। तो अभी मोबाइल ठीक हो गया तुम्हारा रहमान है 55 पे खड़ा है उस्मान भी ठीक हो गया? बैटरी ख़राब थी, अब नहीं डल गई है। कितने की सर? इतने का सर मोबाइल नहीं है, नहीं इतने का तो मोबाइल भी नहीं है गाइस। 2000 रुपये की बैटरी हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है। तो इनकी दुकान देखते चले आप, ये पूरी इनकी दुकान है जी। इधर एक हमारे दोस्त भी होते हैं डॉक्टर इमरान अहमद साहब, वो इस टाइम है नहीं, वफात नहीं, बाहर गए हैं यार। क्यों हंस रहे हो यार? वो बाहर गए हैं जी, वो आते हैं उनसे भी मिलवाते हैं, फिलहाल इनको पैसे देते हैं, रियाज सियाज कराते हैं और निकलते हैं। रहमान साहब इतना बड़ा खर्चा करा दिया आपने। ये हैं जी कुछ रहमत सेंटर के क्या कहते हैं मनाजिर। इधर कारोबार इतना वसी है और इतना ज़बरदस्त कारोबार है लेकिन दुकानदार खुश नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खुश, मुझे नहीं पता लगता। दोबारा चलते हैं एक और, हमारे हम भी यहीं थे किसी दौर में, 8-10 साल गुजारे हमने। अब चलते हैं सीधा गाड़ी पे और निकलते हैं सीधा शोरूम पे। शोरूम पे और शोरूम पे आने के बाद आपको दिखाएंगे न्यू स्टॉक। और आज आपका भाई कैसा लग रहा है तो आपने बताया नहीं, कमेंट में बताओ ज़रा यार कैसा लग रहा है यार, बता दिया करो, साथ साथ तारीफ़ कर दिया करो ताकि मैं खुश हो जाऊँ। आज रहमान की तो आई टून ख़राब है, हमारी तो आई टून ठीक है यार। आई टून की ख़राब होनी तो है, क्यों होनी है? आपके साथ जो क्या हाल है जी? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? चले स्टॉक देखते चले, आल्टो एक्जियो सिविक 17 या 18 होगी पुराने रेम में, बाकी पुराने स्टॉक खड़ा हुआ है। बाकी चलते हैं जी अंदर। अंदर क्या है जी? अंदर है जी गारंटी बिड्स। हाँ ये बिड्स मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने भी देखी। खैर आप ऐसे क्यों खड़े? अच्छा वैसे ही खड़े, चले चले खड़े रहें खड़े रहें, स्टैंड अप हो जाएं। चलते हैं जी अंदर स्टॉक देखते चले आप। मुझे तो लग रहा है अंदर आज भी है ही नहीं, सन्नाटा हुआ है, सारे आज घूमने फिरने गए हैं, कोई भी नहीं है। हाँ जी किधर गए हैं? कहाँ गए? कौन कौन? क्या खैर थे? खाना खाने गए? अच्छा हाँ मैं स्टीक देखी थी हमारे भाई के ना, खाना खाने गए हैं। अरे जी आ गए जी ऑफिस में सीधा। ये रहमान साहब क्या प्लान है? लोग के सुपरस्टार होते हैं, किधर उमर बेटा मुंडा सलमान खान जी, वो मेरे लिए सुपरस्टार आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार आज आए थे तो बैर भाई, हमने ब्लॉग से लोगों ने बनाया उनके साथ ना, वो आए हुए हॉस्पिटल थे नहीं सर, मुनासिब नहीं होता जब बंदा हॉस्पिटल आए और हम ब्लॉग बनाए तो मज़ा नहीं आता। आज सर ठीक है? हाँ लाइट नहीं गया, लाइट शाइट नहीं है गाइस। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद जी गाइस। शोरूम से हो गए हम फ्री, टाइम आपने देख लिया है 10 बजे आपका भाई फ्री हुआ है और अब जा रहे हैं हम सीधा अपने अनारकली में। अनारकली का तो आपको पता ही है, नीचे कर दें शटल, शटल उसने नीचे कर दी है और अनारकली हमारी ये खड़ी है और अब जा रहे हैं सीधा घर, मम्मा से मिलते हैं। आप लोग रहे साथ साथ आ जाओ भाई रहमान चले। नहीं खोलना होता, कौन कौन पूछ रही हो आप? आपको नहीं पता कौन है? उमर साहब आए। कौन है? किधर है? क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे तो गए हुए हैं। क्यों बच्चे किधर भेज दिए? किसकी? मोम को। कौन सी मोम? उनके खाला। उनकी खाला कौन है? हाँ जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप रेडी नहीं हुई? क्यों नहीं रेडी हुई यहाँ? बस सोने का प्रोग्राम है, दिन में नहीं सोई। और ये कौन है? अच्छा ये खाला जी हमारी। सोने का प्रोग्राम है आपका, 10 बजे आप सो रही हैं आज? खैर है मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे नमाज तहज्जुद पढ़नी पड़ती है और फजर की और फिर मैं पढ़ाने भी तो जाती हूं। खाना क्या बनाया आपने?
खाने में आज क्या बना हुआ है? निहारी बनी हुई है और वेजिटेबल भी बनाई गया है। पापा जी का रोजाना गोश्त, इस तरह की मीट वाली चीजें। पापा जी कितने हैं? अपने फ्रेंड्स के पास गए ना। अपने फ्रेंड्स के, पापा जी के फ्रेंड ही खत्म होते, इतने सारे फ्रेंड हैं इनके। चलो मुझे भी तो खाना, रमान को भी भेज दो खाना। हाँ जी, किधर गए बच्चे? क्यों गए? क्यों भेजे? अच्छा आ रहे हैं। अच्छा चलो गाइस, अभी मिलते हैं, हमारे नमूने आ रहे हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे। और खाने में है निहारी और रमान साहब भी आ गए हैं। भाभी किसने बनाई है सही से बताओ? मैंने। इतनी अच्छी हो आप? नहीं नहीं भाभी, आजकल बहुत अच्छे खाने बना रही हैं। है भाभी? अब मेरी छुट्टी हो गई, एक साल हो गया। अच्छा। यकीन मानो बहुत अच्छे खाने बना रही है, वरना रोजाना मुझे खाने बनाने पड़ते थे, मेहनत करनी पड़ती, खाना भी देना पड़ता था रेगुलर। सुबह उठ के मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, रमान साहब अभी खाने बनाने पड़ते थे। अब मैंने छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, सुकून आ गया मुझे। अब भाभी भी ड्यूटी लगा दी है, भाभी अपने दो दो बच्चे भी संभालेगी। और अब तेरी बेगम आएगी ना, अब भाभी की हमारी बेगम नहीं आ रही, बेगम से हम ऐसी ठीक है गाइस, हम ऐसी ठीक है। बाबा जी छड़े और खड़े, रमान की शादी पार्ट 2, रमान की शादी करानी है जी। मम्मा जी हमने हमने अपनी नहीं करानी, हमारे छोटे भाई कब आ रही है शादी का भी बताए? अभी है लेट। कितने दिन है? 1 साल बाद हाँ जी, 1 साल बाद हमारे भाई की शादी आएगी। फिर हमारे पहले आप बड़े हैं, आपकी होगी पहले, हमारी नहीं हो रही, हम नहीं कर रहे शादी। रमान साहब करनी है? दुबई जाने से पहले तुम्हारी कर दूंगी इंशाल्लाह। दुबई 15 दिन पहले हम दुबई जा रहे हैं, हम नहीं, आप रुक रहे पाकिस्तान में, हम दुबई से कोई अर्बन कर लेंगे। लड़की पसंद कर आए हो दुबई? देखो जी ने इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, कह रही है कि दुबई में लड़की पसंद करके आए और तुम जो दुबई जा रहे हो दोबारा। बड़ी जल्दी है इस लड़के को, मैंने जल्दी जाना है, कोई चक्कर है भाभी? ऐसा हो सकता है आपका देवर ऐसा है? हो सकता है, पॉसिबल। गाइस आपका भाई ऐसा है कमेंट्स में जरूर बताना। और यार बड़ा रिस्पांस दिया आपने मेरे घर वाली वीडियो को, ये मेरे भाई का फोन आ गया, इसके सुन लो जिसके कोई नहीं सुनता। ये जी भाभी का हस्बैंड है। हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खोलो जी। आ गए जी हमारे चिंटू और बिंटू और डिंटू, उनसे भी मिलवा लें। रमान साहब आप शुरू करो, रोटी लंगर पानी, मम्मा खाना डाल के दो रमान को। गाइस ये रूम तो देखा ही होगा आपने, वो आ गए मेरे चिंटू और बिंटू, उनसे मिल लूं, रफ्फा डालनी है। किधर है चिंटू और बिंटू मेरे, कहाँ हैं? ये रहे आओ जी आओ, आओ। देख रहे हो उनकी स्माइल, देख रहे हो गाड़ी में तो स्माइल पास कर रहे हैं। अंदर चलो। हेलो गाइस, गाइस देख रहे हो इसके बच्चों को, हमारे बच्चे बड़े सीख गए हैं, असल डेली व्लॉगिंग देख रहे हैं ना मेरी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये गैस की नंबर प्लेट को क्या हो गया? जैसे हमारे घर में ना 2-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं, लगा देते हैं। यार आप मेरे लिए क्या लाए हो? सूप लाए हम आपके लिए, सूप। सूप? सूप बहुत अच्छा सूप है। क्या लाए हो आप? क्या लाए हो? सुसु आ रहा आपको? सुसु आ रहा, तो फिर आप क्या कर रहे हो? ये इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। आप मेरे लिए क्या लाई हो? लाई क्या हो आप मेरे लिए? मुझे क्या खिलाओगी आप? चलो खाना लगा हुआ, खाना खा ले चाचू। ये क्या है ना, चलते हैं जी अंदर, बच्चे आ गए। आपने मिस किया होगा हमारी वीडियो के अंदर बच्चे, और बच्चे हमारे आ गए। रमान साहब मैट बिछा लो, मैट। अच्छा उधर से आता हूँ, इधर से मैंने जूते पहने, जूते नहीं उतारे। मरियम इधर आ जाओ जल्दी से। हाँ जी किधर फिर के आए हो आप? हम आ गए थे। हेलो, आप मेरा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं? हेलो, इधर दे दें, हमारी तरह पर्सनल चीज़ें होती हैं, हमारे मोबाइल में इंटरफेयर ना किया करें। क्या करोगे आप मोबाइल में? पेट देखना गाइस, पेट कम हो गया पहले से, तेरे लिए मैं सूप लाऊंगा, तुझे नहीं पिलाऊंगा, फिर खिलाऊंगा। सॉरी ना पिला, हम नहीं पी रहे, पेट वाली बात हो रही है, सूप वाली बात ना हो रही है। देखो बहुत कम हो गया, ये देख पहले मेरा 90 था, मेरा 70 गाइस। देखो इधर उधर मुकर, देखो गाइस बैलून होता है, उसमें सुई मारता है, 10 किलो वजन कम हो रहा था। रोटी क्यों नहीं खा रहा?
आप खाएंगे ना भाई? डाले डाले, मैंने भी बर्गर खाया है। वो मैं आज कहीं गया था उधर, फिर मैंने बर्गर खाया। मेरा दिल कर भी रहा और नहीं भी कर रहा, तब तो डाले तेरे साथ खा लूँगा। सुनाओ जी, दुकान के क्या हालात थे आज? दुकान के बहुत अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम डैट है? काम ठीक है। गाइस, आपके भाई की कपड़े की शॉप भी है और मेरे नाम से ही है, और ये भाई बैठते हैं वहाँ पे। हम तो ड्यूटी दे नहीं सकते, आपको पता, हम तो उठते ही शाम को 3 बजे हैं, कम से कम भी 3 बजे उठता है आपका भाई। उसके बाद फिर रेडी शेडी होके मुझे इधर आओ, फिर रेडी शेडी होके बाकी काम करते हैं। मेरे लिए क्या लाया है? आप, आपको सुसु आ रहा था? बात तो सुनो, बात तो सुनो, इधर तो आओ भोसा, इधर तो आओ। आपको सुसु आ रहा था? हाँ। अच्छा, पॉपकॉर्न लाए हो आप? पहले ये बताओ, आपको जब गाड़ी से उतरे आपको सुसु आ रहा था? हाँ। कितनी जोर से आ रहा था? यार तू मरियम, आप क्या लाइयो मेरे लिए? आप कुछ लाइयो? यार गाइस, सारी बातें बाद में, पहले खाना खा ले यार, बहुत भूख लग रही है। 2 मिनट रुके, आप 2 मिनट बाद मिलता हूँ आपसे। मिलता हूँ, जाना नहीं है कहीं। नहीं कह दो, कहीं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मोहसिन ने कह दिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर आओ, इधर तो आओ, बोलो क्या कहोगे? सफाई नहीं करनी, सब्सक्राइब करना गाइस। क्या कर दो? हाँ, फायर कर दो। ओ भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सुनते क्यों नहीं? बच्चा कह रहा है 2 साल का, सब्सक्राइब करो। मरियम कह दो, सब्सक्राइब कर दो, पप्पी दे दो। गाइस आपको पप्पी हो गई है। मेरा सूप, ओए ओए ओए, मम्मा डाल दो। क्यों नहीं डाल के दे रही हैं आप? पहले खाना तो खा लो। खाना मैंने खा लिया, खाना मुझे इतनी भूख नहीं थी गाइस आज। अच्छा। और बस मैंने आज बर्गर खाया दोस्त का। वो दोस्त आया हुआ था उसके साथ, खाने इतने अच्छे बने हुए। भाई बाहर से लेके आए, ये बाबी ने नहीं बनाया, आप सोई नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, आप सोई पड़ी थी, आपको नहीं पता। नवे साहब बाहर से लेके आए हैं। कहाँ से? बैलेंटल का, बैलेंटल का सूप है भाई। सूप पीना है तो जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट्स करो, मुझे कमेंट्स करो किस किस भाई ने मेरा सूप पीना है। बिल्कुल भी अच्छी लगती है आपके भाई का टमी पमी बड़ा हो रहा है, सोच रहा हूँ डाइटिंग करूँ। लेकिन जो हमारी भाभी है ना, वो हमें कहती है मैं तो खाई रख, खाई रख, तेरी बीबी मोटी दादी लाएंगे हम। वो भी माशाल्लाह बड़ी हेल्दी है। बंदा मजाक भी ना करे, मर दे, इतनी स्मार्ट भाभी है। मरियम यार मुझे तो कुछ खिला दो आप। अभी मैंने आपको खोल के दिया, आपने खा लिया? दे दो भाई। आ गया गाइस, आ गया, अब आ गया प्लेन वाला, आ गया गाइस। पहले आया था ना, रंग बरंगा दिया था मुझे। मम्मी खाते हैं और सीधे चलते हैं। इतना बड़ा चम्मच मम्मा, इतना बड़ा मेरा मुंह भी नहीं है जितनी बड़ी चम्मच है। गाइस बताता हूँ कैसे सूप का सीजन आ गया मम्मा जी। अभी तो यार गर्मी, हम तो एसी चला के फिरते सारा दिन। गाड़ी तो कब से बंद हो गई थी? गाड़ी की बात करो मम्मा, कमरे की बात नहीं करो। गाइस वैसे अच्छा है, बैलेंटाइन का सूप अच्छा होता है, आप भी जल्दी जल्दी जाएँ वहाँ के साथ पिए। नहीं तो मेरे साथ पीना तो भाई मुझे बताओ, मैं पिलाता हूँ आपको सारे भाइयों को। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना किसी दिन ना प्लान करूँ, जो जो मुझसे मिलना चाहता ना एक ही जगह मैं सबको बुला लूँ। बताएँ कौन कौन, किस किस ने मुझसे मिलना है, मैं एक ही जगह सब सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। जिस जिसने मुझसे मिलना है आए मिले, मोस्ट वेलकम। जिस जिसने जो जो ख्वाहिशें आके पूरी कर लें, मैं सबको, मुझे कोई मसला नहीं है। सूप पी लूँ फिर चल रहे हैं हम सीधा पापा के पास, उनको पकड़ते हैं, छापा डालते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए वीडियो में नहीं आए, आज जाके पकड़ते हैं उनको, अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिट्टे पी लेंगे। अभी जाके पकड़ते हैं उनको। ठहर, सूप पीने तो बस, आप थोड़ी सी देर रुक जाओ। रोटी खा ली आपने? सारी खा ली? सोलह भी नहीं मारी आपने? सारी खा ली? इसके देखे नहीं कपड़े बाबा जी? कपड़े आए हैं इसके, अभी कल वाले व्लॉग में आएंगे। रहमान साहब की शॉपिंग हुई है, 4 शर्टें 2 पैंटे। रहमान साहब को टच में मोबाइल दिया गया है, कोई गर्लफ्रेंड बनाएंगे? बस ये ले आया था मोबाइल उठा के। हाँ गाइस मेरा एक 14 Pro Max रह गया, वो मैंने भी सेल कर, मुझे तो पता ही नहीं कर रहमान की जेब में, मैं समझ दफ्तर ही भूल आया। ये भी अभी ये भी काम करना,
अच्छा चलो, बस आपकी कमी थी, आप भी आ गए। कहाँ थे? मार्केट गए थे। किधर गए थे मार्केट? जब भी पूछते कहते मैं ऊपर सो रहा हूँ। चलो आज तो सच बोल दिया इसने कि मैं मार्केट, आज तो इसने सच बोला है कि मार्केट गया था। वरना क्या कहते हैं, ऊपर सो रहा हूँ, ऊपर के पोर्शन में। गाइस मैंने कल दिखाया था ना आपको ऊपर का पोर्शन, एक रूम लगाया था। ये हमारा भाई ना जरा ऐसे ड्रामे बाद है, मम्मा से ना डरता भी है। तो मम्मा को कहता मम्मा मैं ऊपर हूँ, मम्मा ऊपर जाता, मम्मा को कहता मैं नीचे हूँ, होता ये बाहर है, ये फिल्म बाहर है, मुँह हाथ धो के बाहर आएगा, इससे मिलवाते हैं आपको, रुके जरा आज अभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बाथरूम में सो गए हो? आज इसका इंटरव्यू भी लेते हैं, इधर आ जाओ सामने मेरे शॉपर है। हाँ जी इधर आओ जी, बताओ जी आप क्या करते हो मम्मा को तंग करने के अलावा? घर में टैलेंटेड आदमी हूँ। घर में रहना तुमने और सोकर कब उठेगा? शाम को 6 बजे। 6 बजे सो के उठते हैं? सो के उठ रहा हूँ। गाय ये तो आपके भाई से बड़ा नवाब है। हाँ जी हमको उठ गया था, पापा ने भेजा तो शाम को 5 बजे तो लेबर चली जाती है। जब लेबर जाती जब आ रहा होता है। और आज मैंने कहा इतना लेट क्यों सोकर उठे, तो कहने लगा मैं तो 9 बजे उठ गई, उन्हें देख रहा था लेबर उसको सारे काम करवा रहा। कोई नहीं मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, मैं एक ऊपर कैमरा लगाया तो हम नीचे बैठ के मॉनिटरिंग करती रहो, ज्यादा लग जाएगा आपको। ये कितने बजे उठा, कितने बजे सोता, कितने बजे है? सुबह 7 बजे सोता होगा। हेलो, हाँ जी क्या करते हो आप? तो जी मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी हूँ, सुबह में यूनिवर्सिटी जाता हूँ, उसके बाद में शॉप पे जाता हूँ, फिर पूरा दिन ऐसे काम काज में गुजर जाता हूँ। कौन कौन सा काम करते हैं? हमारे घर की ईंटें ऊपर रखनी है, रख देंगे आप? पैसे सही दोगे तो वो भी हो जाएगा। कितने? 600 रुपये दिहाड़ी है उसके, गिलास पानी लेबर का रेट 1000 हो गया। हमें नहीं पता, मैंने लास्ट टाइम बनवाए थे 2017 में घर बनवाए थे 3-4, उसके बाद अभी तक नहीं बनवाए। मम्मा बनवाती, कभी इसके घर नहीं बनवाया, हमेशा मम्मा बनवाती है। ओ एक ही बात है, मम्मा बनवाए, मम्मा का पुत्र बनवाए, एको गल है। मम्मा फोन आ रहा है आपका, आपके किसी बहन का फोन आ गया होगा। हाँ जी हाँ जी, हमें पता है फोन आ रहा है मुता साहब। अच्छा जी मल्टी टैलेंटेड साहब कौन है? बाजी। अच्छा खाला जी हमारी, नौवीं भाई की सासू अम्मा, खाला भी हमारी। यार आप मेरा मोबाइल ना पकड़ा करें आप प्लीज आप। अच्छा चलो ठीक है जी गाइस, अभी आगे तक चलेंगे, अभी तक घर से बाहर और आप लोग रहे साथ साथ, अब हम जा रहे हैं मोबाइल बेचने। हाँ जी जी अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। आ रहा हूँ मुझे पकड़ लेगा। हमने एक मोबाइल सेल करना है गाइस, और मेरे लाइसेंस खोल गए, पकड़िए हमारे ना लाइसेंस खोल गए, लाइसेंस जा रहा हूँ। इस टाइम बोर्ड भी लेना है, टिकटॉक लाइव के लिए ना चार्जिंग भी होता है। गाइस मोबाइल हमने दे दिया शानी भाई को, हमारी डील बन गई है, और शानी भाई ना बहुत ज़्यादा खजूस हैं, और ये ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, इधर इनकी शॉप है, ये सारे आईफोन का ही काम करते हैं। शानी भाई ठीक है, डन होगी डील, कल आपसे हम पैसे दे देंगे, हमें सेंड कर देना डब्बा, आपको भिजवा देंगे। हम दे दिए हमने शानी भाई को फ़ोन और के जी गाइस, पापा जी से मिले हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, कफील थे सऊदी अरब के, और वो वीडियो में नहीं आते, अब वो गए हैं उनको सीधा रमादा छोड़ने, और बल्कि मैं पकड़ता हूँ पापा को ना, मैं अपनी गाड़ी पे हूँ, वो अपनी गाड़ी पे हैं, वो जा रहे हैं आगे, मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ साथ उनको छोड़ने। बोलेंगे वो जा रही किया स्पोर्टेज, नजर आया वो गाइस किया स्पोर्टेज, इसमें बैठे हैं पापा जी, तो बस इनको जाने देते हैं। आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं, इसी उम्मीद से खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपका भाई उमर शेख।